खबर आ रही है बलिया के सहतवार स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा छपिया में बूथ संख्या 91-92 पर मतदान के दिन मतदान को लेकर सोमवार की शाम दो पक्षों में मारपीट के दौरान एक पक्ष के अधेड़ को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि उस समय जब छपिया ग्राम सभा के बूथ संख्या 91-92 पर मतदान को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, साथ ही लाठी डंडे और चाकू से छपिया निवासी डॉक्टर घनश्याम मिश्रा को घायल कर दिया गया। आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए बनारस के लिए रेफर कर दिया, जहां उन्हें ले जाते वक्त रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से नाराज परिजन एवं ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह थाने गेट के सामने शव को रखकर पुलिस के विरोधी नारे के साथ जमकर हंगामा किया। वहीं करीब एक घंटे तक रेवती बांसडीहा मार्ग को जाम कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस उप अधीक्षक संजय कुमार, बांसडीहा उप जिलाधिकारी दुष्यंत मौर्य, क्षेत्राधिकारी बांसडीहा अशोक त्रिपाठी सहित दर्जनों थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त हुआ। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से भीम बली सिंह के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट। कल थाना सहतवार में शाम को 6 बजे के करीब एक छिपिया गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक युवक को चाकू लगा था। आज सुबह उपचार के दौरान युवक की मृत्यु अस्पताल में हो गई, जिस पर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है हत्या का। और जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से दो मुख्य अभियुक्तों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पूरे प्रकरण में एक दरोगा को निलंबित किया गया है कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में, और आगे इसमें अन्य कार्यवाही कर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम करवा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।